हम तो डूबेंगे साथ में तुम्हें भी लेकर डूब जाएंगे। लगता है ये लाइन हार्दिक पांड्या ने अपने दिमाग में बैठा ली है, तभी तो स्लो फॉर्म के चलते अपने ऊपर बैन होने का खतरा भी ले लिया है। कुंग फू पांड्या की इमेज अब MI के लिए काम नहीं आ रही है, क्योंकि ना ही उनका बल्ला चल रहा है और ना ही बॉल कुछ बोल पा रही है। हार्दिक पांड्या की ताकत उनका एग्रेशन माना जाता है, लेकिन कई बार ये ही रवैया वहां मौजूद लोगों के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता टाइप साबित हो जाता है। मुंबई इंडियंस के लिए 30 अप्रैल का दिन बहुत खराब था। इस टीम को इस सीजन की 7वीं हार का सामना करना पड़ा और फैन से लताड़ भी मिल गई। 4 विकेट से जीतने के बाद लखनऊ की टीम खुशी से झूम रही थी, तो वहीं मुंबई इंडियंस पर अब प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। यही नहीं, इन सब मुश्किलों के बीच MI के कप्तान हार्दिक पांड्या की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। यूं तो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड डिसाइड होने के बाद वैसे ही हार्दिक खास लोगों को उप कप्तान के तौर पर कम पसंद आ रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर से हार्दिक ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है और ये तय कर लिया है कि अब जब लोग बुरा कह ही रहे हैं तो थोड़ा और कह लेंगे। दरअसल लखनऊ से मैच हारने के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को BCCI की तरफ से सजा मिल गई, जिसके बाद अब पांड्या पर बैन होने का खतरा मंडराने लगा। जी हाँ, क्योंकि स्लो ओवर रेट के चलते हुए अब अगले मैच में हार्दिक पर बैन भी हो सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और विस्तार से जानने के लिए आपको बता दें कि इस मैच से पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन ही बना सकी थी, जिसके बाद लखनऊ ने इस आसान से लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। वहीं इस मैच में MI की टीम स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। खबरों के मुताबिक टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या पर BCCI ने 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है, इससे पहले भी MI स्लो ओवर रेट के चलते जुर्माना लगवा चुकी है। अब हार्दिक पर यह दूसरी बार जुर्माना लगा है। वहीं अगर तीसरी बार फिर से मुंबई दोषी पाई जाती है तो फिर कप्तान हार्दिक पांड्या पर एक मैच का बैन लग सकता है और साथ में भागीदारी पूरी टीम को भी होना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक के अलावा टीम के बाकी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25-25% जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि IPL 2024 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी खराब रहा, जिसके बाद टीम के नए कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर लगातार सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लोग हार्दिक पांड्या को ट्रॉल करने लगे। अभी तक इस सीजन में मुंबई की टीम ने सिर्फ 10 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 7 में हार और 3 मैचों में जीत मिली है। अब ऐसे में MI प्लेऑफ में शामिल हो सकती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या कहना है कि MI हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आगे सही से प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।